पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे लेने की जरूरत, इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया, हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है, और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश का इतिहास है। यस प्लीज, ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी, नो दिस इज नॉट नेसेसरी। नो निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, ये हिंदू होने का नाटक मत बनाओ, हिंदू होने का ये मतलब होता है कि चाहे आप मेरे ऊपर जो भी फेंको, राहुल जी जितना भी फेंको, राहुल जी ऐसा नहीं, ये हाउस है, हाउस के अपने कुछ नियम है। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपका भाषण कंप्लीट हो गया। निर्मला जी, निर्मला जी बोल रही है।